हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज मंगेश एंड यू आर वाचिंग ब्लॉगिंग क्यू एन ए यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे ब्लॉगिंग निश बताने वाला हूँ 2020 में, जिसपे आप अपना एक ब्लॉग क्रिएट करके एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट ऑफ मनी यू कैन जनरेट फ्रॉम दीज निशेस। सो अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से निश है, कौन कौन से उसके शब्द निश है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलेंगी ब्लॉगिंग, एसईओ एंड मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड पावरफुल वीडियो कंटेंट। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द वीडियो नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आजकल पर्सनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल पर, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। लाइक भाई, साइट मैप कैसे सबमिट करें, कीवर्ड कैसे डालें अपने में, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करें, कीवर्ड रिसर्च कैसे करें, या फिर जो भी है बहुत सारी। तो आप सभी लोगों से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जो आपकी क्वेरीज है ना, कॉमन क्वेरीज, उन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं। तो आप मेरे को पर्सनली पिंग करने से पहले एक बार चैनल पर वो चेकआउट कर लो। आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी क्वेरी है तो यूट्यूब में आओ। फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि हाउ टू सबमिट साइट मैप, तो सीधा यहाँ पर टाइप करो हाउ टू सबमिट साइट मैप, और उसके आगे यहाँ पर आप ब्लॉगिंग क्यू एन ए ये डाल दो, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है देन आप मुझे कॉन्टैक्ट करो सोशल मीडिया पे, या फिर मोस्टली इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करो, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। बट जिन चीज़ों पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है उन्हीं चीज़ों को पूछोगे तो उससे बेटर है आप एक बार चैनल पर चेक कर लो। ऐसी फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, तो सिंपल यहाँ पर डालो कीवर्ड रिसर्च, जो भी आपकी क्वेरीज है जिसके ऊपर भी आपको वीडियो नहीं मिल रही है, सिंपल उसके डालो और उसके आगे सिर्फ यहाँ पर ब्लॉगिंग क्यू एन ए लिख दो और आपको यहाँ पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है देन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये था मेरे को एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं जो रिसेंटली चैनल के साइड ज्वाइन हुए हैं। सो चलिए बैक टू टॉपिक, 10 प्लस ब्लॉगिंग निश फ्रॉम दैट यू कैन अर्न एन हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। सो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ रिसर्च करके 10 ब्लॉगिंग निश निकाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज, दो से तीन चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं। ये जो मैंने 10 ब्लॉगिंग निश निकाले हैं, इनमें से कुछ हाई कंपटीशन वाले होंगे, कुछ मीडियम वाले होंगे, कुछ लो वाले होंगे। मैंने रिसर्च करके एक ओवरऑल आपके लिए निकाल दिया है कुछ निशेज, और उसके अंडर कुछ सब निशेज आपको निकाल दिया है। अब उसके बाद आपकी ड्यूटी है, आपको इनमें से कैसे माइक्रो निश ब्लॉग निकालने हैं, कैसे कीवर्ड रिसर्च करके लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड फाइंड आउट करने हैं, वो आपको निकालने हैं। सो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और यहाँ पर मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि ये जो निशेज मैं बताने वाला हूँ इनमें से क्या क्या अर्निंग के मेथड है। लाइक यहाँ पर ऑब्वियसली एडसेंस के थ्रू तो आप अर्निंग कर ही सकते हैं, क्योंकि ये जो भी निश मैं बताऊंगा इनका सीपीसी जनरली हाई होने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे निश है। सेकंड चीज, एफिलिएट मार्केटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे वो अमेजोन एफिलिएट हो, चाहे फिर किसी और एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू, या फिर इन हाउस एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू अर्न कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप के थ्रू भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली ये तीन मॉडल्स हैं जिनके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, ना कि सिर्फ एडसेंस। अब तीसरी टिप्स यहाँ पर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 7 से 8 पॉइंट मैंने आप सभी लोगों के लिए लिख के रखे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी निश पे काम करते हो तो उससे पहले ये 8 पॉइंट पढ़ लेना। अगर इन सभी 8 पॉइंट को फॉलो करते हो तो मैं गारंटीड देता हूँ, लिख के ले लो मेरे से, चाहे स्टैम्प पेपर पर लिखवा के ले लो, आप अगर काम करोगे इन पॉइंट्स को फॉलो करके तो 110% इन निश में अगर आप कोई ब्लॉग बनाते हो तो $1000 पर मंथ ईजिली अर्न कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, डोंट वर्क ऑन दीज निशेज इफ यू वांट रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म। तो ये जो निश मैं 10 निश बताऊंगा ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, आपको इन पर लॉन्ग टर्म लेके चलना है, इन पर अथॉरिटी ब्लॉग बनानी। अगर आप शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम्स ढूंढ रहे हो तो वो आपको इस चैनल पर नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ अथॉरिटी चीजें जिसमें आपको लॉन्ग टर्म चले, जो कि लंबे टाइम तक आपको पैसा दे, ऐसी चीजें बताऊंगा। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि 2 से 3 महीने में मैं $1000 अर्न कर लूंगा तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसे यहां से स्किप कर सकते हो डायरेक्टली। बट अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हो कि हाँ भाई 6 से 7 महीने मेहनत करने के बाद हर महीने मुझे $1000 मिलेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। उसके बाद दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट, बिल्ड एन अथॉरिटी ब्लॉग ऑन दिस निशेज। जो भी निश मैं यहाँ पर 10 बताऊंगा उन पर आपको वही है कि शॉर्ट टर्म मत करना कि 2 महीने में मुझे $1000 करने हैं, लॉन्ग टर्म और अथॉरिटी ब्लॉग बनाना है। जैसे मेरा अथॉरिटी ब्लॉग है ब्लॉगिंग क्यू एन ए डॉट कॉम,
सो ऐसे आपको अथॉरिटी ब्लॉग बनाना है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, डू कीवर्ड रिसर्च एंड फाइंड अ लॉ कॉम्पिटिशन माइक्रो निश ऑन इट। तो यहाँ पर मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, जो 10 निश मैं आपको बताने वाला हूँ इनका सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू और इनके सब निशेज बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, निश रिसर्च करनी है, जिसके थ्रू आप इनमें लॉ कॉम्पिटिशन कीवर्ड या एक माइक्रो निश निकालोगे। और कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, माइक्रो निश कैसे निकालना है, उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पर वीडियोज डाल रखी है मैंने, वहां से जाके आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, चूज अ निश ऑन विच यू कैन प्रोवाइड कंटेंट फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर 10 नीच बताए हैं, और 10 में से आप कोई सा भी नीच चूज कर लेते हो कि हाँ भाई इसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, इसमें पैसा बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको उस निश में इंटरेस्ट ही नहीं है, आप उस निश में कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकते, तो क्या होगा कि आप 1 से 1.5 महीना काम करोगे और उसमें फिर आप कंटेंट नहीं डाल पाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फाइनली आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा ही जो 10 निश बताए इनमें से कोई ऐसा टॉपिक चूज करना जिस पे आपको इंटरेस्ट हो, जिस पे आप अच्छा कंटेंट दे सकते हो, और जिस पे आप लॉन्ग टर्म के लिए लाइक 4 से 5 महीने या 6 महीने लॉन्ग टर्म के लिए कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आप कोई ऐसा निश चूज करते हो जिसमें आप कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आई डोंट थिंक कि वो आपके लिए चलने वाला है अनटिल एंड अनलेस आपके पास कंटेंट राइटर हो। सो अगर आप खुद से कंटेंट देते हो तो मेक श्योर कि ऐसा निश चुनो जिसमें आप लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर सको। उसके बाद 5वां पॉइंट, हैव पेशेंस एंड वर्क हार्ड फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। ये जनरली मैं बता रहा हूँ, अगर इनमें से आप कोई भी निश चूज कर रहे हो तो कम से कम 5 से 6 महीने आपको काम करना है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आप सोच रहे हो कि 1 महीना 10 दिन 15 दिन काम करके मैं यहाँ से $1,000 per month अर्न कर लूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, यहीं से स्किप कर सकते हो। उसके बाद 6वां पॉइंट है, डोंट कॉपी स्पिन और ट्रांसलेट कंटेंट फ्रॉम एनीवेयर। सो ये बहुत लोग करते हैं कि वो निश तो चूज कर लेते हैं जैसे कि मैंने बताया, लेकिन फिर वही है कि उन्हें कंटेंट नहीं पता कि कंटेंट कैसे लिखना है, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि उस पर वो कंटेंट नहीं लिख सकते, फिर वो कहीं से कॉपी करते हैं, स्पिन कर रहे हैं, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, और अल्टीमेटली उनका ब्लॉग रैंक नहीं होता और फिर वो बोलते हैं कि भाई मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखना। उसके बाद राइट योर ऑन क्वालिटी कंटेंट, हमेशा क्वालिटी कंटेंट, खुद से कंटेंट लिखना, कहीं से कॉपी पेस्ट स्पिन ट्रांसलेट ये सब मत करना। अब यहाँ पर डोंट थिंक अबाउट मनी फॉर एटलीस्ट 3 मंथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये शॉर्ट टर्म तरीके नहीं है, लॉन्ग टर्म निशेज हैं। तो अगर आप स्टार्ट करें तो शुरू के 3 महीने पैसे की ना सोच के उस पर 100% दो, अपना SEO करो, अपना कंटेंट डालो, उसका प्रमोशन करो, और देखना 3rd month के बाद आपको वहाँ पे पैसा दिखना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपकी अर्निंग 3rd महीने से स्टार्ट हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 3rd महीने से आपको $1,000 per month हो जाएंगे, बट हाँ 3rd महीने से आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलने लग जाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको पैसा अपने अकाउंट में दिखने लग जाएगा। सो पहले 3 महीने में ये मत सोचना कि भाई मुझे पहले दिन से ही पैसा मिलेगा, तो ये नहीं होने वाला है। सो एटलीस्ट वर्क 3 months विदाउट थिंकिंग अबाउट मनी, ठीक है। तो अब ये 8वां पॉइंट फॉलो करके अगर आप करते हो तो 100% $1,000 अर्न करना इन निश से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब शुरू करते हैं हम अपने 10 निश की। तो सबसे पहला निश हमारे पास यहाँ पर है ट्रैवल निश। ट्रैवल निश कॉम्पिटिशन है, बट वही है, मैं आपको एक ये मेन निश बता रहा हूँ और इसके अंदर कुछ सब निशेज बता रहा हूँ, और इसके अंदर भी आपको माइक्रो निश निकालने हैं और कॉम्पिटिशन लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड निकालने हैं, तो आप इजिली $1,000 per month अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर ट्रैवल निश कॉम्पिटिशन है, डेफिनेटली है, बट यहाँ पर आपको माइक्रो निश और लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सब निश के कुछ आइडिया मैंने दे रखे हैं, लाइक सिटी गाइड, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई माइक्रो निश बना सकते हो, लाइक दिल्ली के ऊपर ही कोई माइक्रो निश बना दो, लाइक explorelhi.com कोई आपने डोमेन ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और उसमें आपने सब कुछ दिल्ली के बारे में कि दिल्ली में ये घूमने की जगह है, दिल्ली में आप यहाँ यहाँ जा सकते हो, दिल्ली में ये फूड की जगह है। सो इस तरह से माइक्रो निश बनाओगे, जल्दी रैंक होगा, एडसेंस भी अच्छे से कमा सकते हो, उससे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म करोगे, अपना अथॉरिटी ब्लॉग बनाओगे, तो स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज्यादा आपको मिलने वाली है। ऐसी अगर एक और सब निश की बात करें तो वो है ट्रैवल टिप्स। आप ट्रैवल की टिप्स दे सकते हो कि आप यहाँ यहाँ पे घूमने जाओ, आप ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लेकिन अब देखो यहाँ पर आप अमेजोन एफिलिएट से भी अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल टिप्स आप उसमें बताते हो, अगर आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये चीज आपके पास होनी चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उस केस में आप अमेजोन एफिलिएट यूज कर सकते हैं। अमेजोन एफिलिएट के लिंक दो, प्रोडक्ट के रिव्यू लिखो, और वहां से आप इजिली कमीशन जनरेट कर सकते हो। तो वो आपको सोचना है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको थोड़ा दिमाग चलाना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ओवरव्यू देने वालों कि कौन कौन से ऐसे निश है जिनमें आप $1,000 per month अर्न कर सकते हो, वो चाहे एडसेंस से हो, चाहे एफिलिएट से हो, चाहे स्पॉन्सरशिप से हो। अब दूसरे निश की मैं बात करता हूँ, हेल्थ निश। अब हेल्थ निश बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बट इसमें आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो निश हैं
जिन पे कोई भी कंटेंट नहीं लिख रहा है। अगर आप यकीन मानो, मैंने खुद ऐसे माइक्रो निश देखे हैं हेल्थ में, जिन पे अगर आप 5 पोस्ट क्वालिटी पोस्ट लिख दोगे तो सीधा पहले पेज पर रैंक करेगी। बट वही बात है कि आपको उसके अंदर डिग करना है, आपको उसके अंदर रिसर्च करनी है, उसके अंदर जाना है, माइक्रो निश निकालने हैं, कीवर्ड रिसर्च करनी है। तो वो आपको कोई करके नहीं देगा कीवर्ड रिसर्च, या फिर आपको कोई निश निकाल के नहीं देगा। हम आपको सिर्फ आइडिया दे सकते हैं कि इस निश पे काम करो, इसमें आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, इसमें आपको माइक्रो निश निकालना है, लेकिन एट द एंड कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, क्वालिटी कंटेंट, ये सब आपको ही करना है। तो हेल्थ निश है, हेल्थ निश में आप डाइट के ऊपर बना सकते हो, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट्स के ऊपर बना सकते हो, मेडिटेशन के ऊपर बना सकते हो, माइंडफुलनेस, मेंटल हेल्थ, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ। तो यहां पर मैंने कुछ आपको सब निशेज दे दिए हैं। अब इनके अंदर माइक्रो निश बहुत सारे हैं, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत सारे। मैंने खुद अभी कुछ रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, तभी मैंने कुछ निकाले हैं, बट वो आपको अपने एंड से रिसर्च करने हैं। सबसे पहली बात, मेडिटेशन में बहुत सारे लो कॉम्पिटिशन वाले, चलो एक और हिंट मैं आपको दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप देखोगे सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रोथ, इसके अंदर भी बहुत सारे माइक्रो निश हैं, जिन पे अगर आप 5 से 10 क्वालिटी पोस्ट लिखोगे बिना बैकलिंक के वो रैंक कर जाएंगे। स्किन केयर में भी है, तो आपको रिसर्च करनी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा, आपको उसके अंदर डीप रिसर्च आपको खुद करनी है। नेक्स्ट हेल्थ निश के बाद आता है हमारा फिटनेस एंड स्पोर्ट निश। तो ये फिटनेस एंड स्पोर्ट निश, ये जो मेन निश है कॉम्पिटिशन वाला है, लेकिन इसके अंदर ये जो सब निश है ये मीडियम कॉम्पिटिशन वाले हैं। अब इसके अंदर भी और फाइंड आउट करोगे तो आपको लो कॉम्पिटिशन वाले मिलेंगे, लाइक योगा में, योगा का एक जो है हाई कॉम्पिटिशन वाले, बट इसके अंदर एक पर्टिकुलर, मान लो कि आप योगा के अंदर ही जाते हो कि भाई मुझे मेंटल योगा के ऊपर ब्लॉग बनाना है, तो सिर्फ वो एक माइक्रो निश हो गया, उसमें कॉम्पिटिशन लो है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहो कि मुझे सिर्फ रनिंग एक्सरसाइज के ऊपर एक बनाना है, या फिर कुछ ऐसा करके बनाना है, वेट लॉस में आप जा सकते हो, लाइक वेट लॉस बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन वाला, लेकिन उसके अंदर भी माइक्रो निश है कि वेट लॉस हम जिम से करें, उसके ऊपर एक माइक्रो निश हो गया, या फिर वेट लॉस सिर्फ हम डाइट को कंट्रोल करके करें, उसके ऊपर एक माइक्रो निश हो गया, लो कॉम्पिटिशन है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा। साइकिलिंग, ये भी बहुत बढ़िया है, इसमें आप लाइक कैसे साइकिल चलाते हैं, या फिर कौन कौन से चीज़ें हमें ध्यान रखनी है साइकिल परचेज करते वक्त, बाईसाइकिलिंग करते वक्त, तो इस तरह से आपको माइक्रो निश निकालने हैं। रनिंग एंड मैराथन, ये भी लो कॉम्पिटिशन वाला है, अगर आप इसके अंदर रिसर्च करोगे, मैंने एक निकाला था, तो आप भी डेफिनेटली निकाल सकते हो। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, माइक्रो निश कैसे निकालना है, उसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे वीडियो है। तो आपको सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया को एक्सप्लोर करना, आइडिया में इंप्लीमेंट करना आपका काम है। सो ये था फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। उसके बाद इंटरटेनमेंट निश, इंटरटेनमेंट निश में भी ये तो लाइक ऐसा मान लो इसमें आपको SEO की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिटी कंटेंट डालना है और सबसे पहले डालना है। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर मूवी डाउनलोडिंग पे मत जाना, या फिर किसी भी डाउनलोडिंग निश में मत जाना, रिव्यू निश में जाओ। मूवी रिव्यू निश हो गया, टीवी शोज रिव्यू निश हो गया, इनमें भी देखो माइक्रो निश हो जाते हैं। लाइक मूवी रिव्यू कर रहे हो, अगर आपको हाई CPC एडसेंस से चाहिए तो सिर्फ हॉलीवुड वाले मूवी रिव्यू साइट बनाओ, अगर आपको इंडिया वाला चाहिए तो इंडिया वाला बनाओ। टीवी शोज, ये भी एक माइक्रो निश हो गया कि रिव्यू साइट है, उसके अंदर भी टीवी शोज का रिव्यू है, टीवी शोज में भी आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर चैनल के टीवी शोज का रिव्यू कर सकते हो। स्टैंड अप कॉमेडी एंड इम्प्रोवाइजेशन, ये अभी भी लो कॉम्पिटिशन वाला कीवर्ड है, इसमें रिसर्च करो, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। सो ये आप कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं आपको बताता हूँ कि Amazon प्राइम का जो होता है ना, उसका भी एफिलिएट प्रोग्राम आता है, उसका एफिलिएट प्रोग्राम बनाओ। आप Amazon प्राइम पे एक ब्लॉग बनाओ कि Amazon प्राइम पे ये मूवीज हैं, ये रिव्यू हैं, और उसके एफिलिएट को ज्वाइन करके वहां से एफिलिएट से पैसा अर्न करो। इजीली बहुत सारे तरीके हैं कमाने के, बस आपको अपना दिमाग खोलना है, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, रिसर्च करनी है, सब कुछ आपको मिलेगा, और ऐसे लो कॉम्पिटिशन चीज़ें मिलेंगी ना आपको, ट्रस्ट मी गाइज, उन पर आपको सिर्फ थोड़ा मेहनत करके आप इजीली बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि लोग भेड़ चाल में चलते हैं, जो सभी लोग कर रहे हैं उसी सब में घुस जाते हैं। ऑलरेडी इतना सारा कॉम्पिटिशन है, आप उसमें घुसोगे, उसको और कॉम्पिटिशन बढ़ा दोगे, ना आपका फ़ायदा होगा, ना ऑलरेडी जो उसको कर रहे हैं ना उनका फ़ायदा होगा। सो मेन है कुछ हटके करो, कुछ निकल के अलग लेके आओ, उस पर करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। पांचवा निश हमारा रिलेशनशिप निश। तो ये एक बहुत ही लो कॉम्पिटिशन निश है, बहुत लो कॉम्पिटिशन निश है आज के टाइम में भी। फॉर एग्जांपल, डेटिंग की गाइड दे दो, लाइक हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, या फिर जो भी चीज़ें हैं आप सभी को पता होगा। मूविंग टुगेदर फैमिली गाइड दो कि फैमिली को आप कैसे मैनेज करें, क्या क्या चीज़ें, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग, एडसेंस,
और स्पॉन्सरशिप सब कुछ कर सकते हो, लाइक वेडिंग एंड मैरिज गाइड आप दे सकते हो। तो इसका चलो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दे देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि भाई सारी चीज़ें बता रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा, तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डेटिंग गाइड है, तो यहाँ से मैं एचरफ में जाता हूँ, डेटिंग गाइड के ऊपर आपको थोड़े से बहुत कीवर्ड दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं जनरली रिसर्च करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये देखो मैंने गूगल पर एक कीवर्ड डाला, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। इसका सर्च वॉल्यूम देख लो, यूनाइटेड स्टेट में 3600 इतना है इसका, सीपीसी 2.37, कॉम्पिटिशन 0.01। अब अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, इसमें स्टार्टिंग में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन, अगर इस पे हाई अथॉरिटी साइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको कीवर्ड रिसर्च वाली मेरी वीडियोज़ में मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिंपल कीवर्ड रिसर्च करा, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल। अब हम इसे एक बार एचआरएफ में चेक कर लेते हैं, तो मैंने एचआरएफ यहाँ से ओपन किया, और अगर आप एचआरएफ चीप प्राइस में परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करो, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मैं एचआरएफ कैसे यूज़ कर रहा हूँ चीप प्राइस में। तो सिंपल मैं यहाँ पर इसे सर्च करता हूँ, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। अब यहाँ पर देखो सर्च वॉल्यूम 11K, समझ रहे हो, सबसे ज़्यादा इंडिया में, और कीवर्ड डिफिकल्टी सिर्फ 14। अब ये मीडियम कीवर्ड है, अब इसमें से भी हम लो कंपटीशन निकाल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड मैं निकालता हूँ लो कंपटीशन वाला, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल ऑन चैट, ये हमें मिल गया, तो हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखो मीडियम है, 900 सर्च वॉल्यूम है, और अगर मैं इसके सामने एक और मैंने देखा था, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल इन कूल, ये कीवर्ड देखा था, आई थिंक इस पर लो कंपटीशन है, तो मैंने ये चेकआउट कर रहा था जब रिसर्च करी थी मैंने, तो इसका भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो आपके सामने सर्च वॉल्यूम 450 है, कीवर्ड डिफिकल्टी इजी है। अब ऐसी आपको, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसी आपको बहुत सारे मिलेंगे इसके अंदर, चाहे डेटिंग के ऊपर ले लो, चाहे मैरिज एडवाइस के ऊपर ले लो, चाहे वेडिंग के ऊपर ले लो, चाहे डिवोर्स के ऊपर ले लो, बहुत सारे हैं, और इन पर अच्छा खासा एडसेंस से आप अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब आपने एक लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड तो निकाल लिया, हाउ टू इम्प्रेस अ गर्ल इन स्कूल। अब इसे मैं जाके अगर गूगल में सर्च करूँ, तो अगर देखते हैं इस पर हाई DAPA वाली वेबसाइट रैंक कर रही है या नहीं कर रही, क्या हमारे चांसेस हैं इस पर रैंक करने के, तो अगर हम देखें यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो ये wikihow.com रैंक कर रही है, ये डेफिनेटली हाई DAPA वाली वेबसाइट है। बट और नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी 20 से कम DA वाली वेबसाइट काम मिल रही है, तो आप इजीली, या फिर आपको कोरा की पोस्ट मिल रही है, तो आप इजीली यहाँ पर रैंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो ये एक कोरा की पोस्ट रैंक कर रही है, यानी कि आप इजीली यहाँ पर रैंक कर सकते हो। पहला सिग्नल की ये लो कंपटीशन है, दूसरा सिग्नल आपको देखो ये मिल गया कि लो कंपटीशन है, सिर्फ DA11 की वेबसाइट रैंक कर रही है। सो इजिली लो कॉम्पिटिशन की वर्ड है, अगर आप एक्सपायर डोमेन लेके काम करोगे तो ईजिली इनसे ऊपर रैंक कर सकते हो। ये देखो DA17 की रैंक कर रही है, और यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, देखो अक्टूबर 15 2019 को ये पोस्ट पब्लिश करी थी, तो अगर आप फ्रेश कंटेंट डालते हो, लेटेस्ट कंटेंट डालते हो, तो फॉर श्योर आपकी पोस्ट जल्दी रैंक होगी। ये देखो ये पोस्ट यहाँ पर रैंक कर रही है 8th-9th पोजीशन पर, और इसका DA41 है, लेकिन ये देखो पोस्ट कब पब्लिश करी थी, सेप्टेम्बर 5, 2015 को, तब से लेके आज तक की यहाँ पर रैंक कर रही है, यानी कि कॉम्पिटिशन बहुत लो है, यहाँ पर लोग काम ही नहीं करते। बट अगर आप फ्रेश कंटेंट डालोगे आज की डेट में, तो डेफिनेटली आप इनसे हाई DA वाली वेबसाइट से भी ऊपर रैंक करोगे। तो ये होती है चीज़ें, ऐसे आपको काम करना पड़ता है। ये देखो जुलाई 22 2017 की यहाँ पर पोस्ट है, फ्रेश कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि इस पर लोग कंटेंट ही नहीं लिख रहे, कॉम्पिटिशन ये लो है, लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं है। ये देखो सितंबर 5 2015 अक्टूबर 16 2006 कब का कंटेंट है, देख रहे हो आप, अगर आप फ्रेश कंटेंट डालोगे तो इन हाई DAPA वाली वेबसाइट से ऊपर रैंक करोगे। तो ये होता है आपको कीवर्ड रिसर्च करने का तरीका, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, तो इस तरह से आप करोगे, आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। ये था रिलेशनशिप निच। ऐसी अगर मैं छठा निच बताऊँ, फैमिली एंड होम, जिसमें आप लाइक एग्जाम्पल आप इन तरीकों के, ये कॉम्पिटिशन वाला निश है, यहाँ पर मैं आपको सब निश बता रहा हूँ, इनके अंदर आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है और लो वाले निश निकालने हैं। लाइक पेरेंटिंग एंड चिल्ड्रन, लाइक आप चाइल्ड केयर के ऊपर बना सकते हो, लाइक न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे क्या फूड देना चाहिए, उसको क्या क्या कपड़े होने चाहिए उसके, या फिर किस टाइप से उसकी टेक केयर करें। फैमिली हॉलीडेज़ में आप एक माइक्रो डिश बना सकते हो कि अगर आप फैमिली हॉलीडेज़ पे जाना चाहते हो तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, वहाँ पर आप एफिलिएट मार्केटिंग बहुत तगड़े तरीके से कर सकते हो, लाइक नथिंग एफिलिएट मार्केटिंग से, वहाँ से आप
1000 या $2000 पर मंथ अर्न कर सकते हो, इस निश की बात कर रहा हूं मैं। हॉबीज फॉर द होल फैमिली, इसके ऊपर आप बना सकते हो। तो निश बहुत सारे हैं, इनको आपको ड्रिल डाउन करना है और इनमें से बेस्ट अपने लिए एक निश निकालना है। और बार बार बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म लेके चलना, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। उसके बाद सेवंथ निश में आता हूँ, बायोग्राफी निश। अब यहाँ पर पता है बायोग्राफी निश का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में आता है कि भाई यहाँ पर ये निश बताएगा हमें आप सेलिब्रिटी के ऊपर जाओगे या फिर क्रिकेटर्स के ऊपर जाओगे, वो पहले से बहुत हाई कंपटीशन वाले हैं। बट आपको बायोग्राफी निश में कुछ ऐसे निश भी हैं जिन पे लोग लिख ही नहीं रहे। लाइक सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ के फैमिली के ऊपर कोई भी नहीं है। लाइक उनके बेटों के ऊपर या फिर उनके चिल्ड्रंस के ऊपर, उनके वाइफ के ऊपर, उनके ऊपर बायोग्राफी बनाओ तो उसमें आपको कंपटीशन बहुत कम मिलेगा। लाइक इंस्टाग्राम स्टार के ऊपर, यानी कि जो रिसेंटली निकल के आए हैं, ऐसे नहीं कि पॉपुलर हो चुके हैं उनके ऊपर बायोग्राफी लिखोगे, बहुत सारी लिखी हुई हैं। जो नए नए पॉपुलर हो रहे हैं या नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं, नए इंस्टाग्राम स्टार आ रहे हैं, नए टिकटॉक स्टार आ रहे हैं सेलिब्रिटीज़ की फैमिली के ऊपर, उनके ऊपर आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये इसके अंदर भी रिसर्च कर रहा था, एक और मिला था, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लाइक ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ये देखो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला, इसे मैं आपको HRF में यहाँ पर डाल के दिखाता हूँ। इसे मैं डालता हूँ सिंपली HRF में, इसका सर्च वॉल्यूम आप देखना 3.4 के सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन 0, इजी है, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं। और इस पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो इसे हम सर्च करते हैं और इसके बाद इसमें देखते हैं हाई DAPA वाली वेबसाइट कितनी है, कितनी रैंक कर रही है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे लोग काम ही नहीं करते, क्योंकि जो पॉपुलर चीज़ें हैं लोग उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आज भी मार्केट में ऐसे बहुत से निश हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें जिन पर कॉम्पिटिशन है ही नहीं, तो आपको वो निकालना पड़ेगा, वो आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर आपको दिखेगा DA 100, उसके बाद देखो DA 39 वाली भी है, 70, ये देखो DA 4, ये पाँचवें छठे पोजीशन पे ही, फर्स्ट पेज के पांचवे छठे पोजीशन पे ही सिर्फ DA 4 की वेबसाइट रैंक कर रही है इस कीवर्ड पर। तो इस तरह से आप कर सकते हो। सो वही है कि आपको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये देखो DA 20 की वेबसाइट भी रैंक कर रही है। सो ऐसी आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है और आपको लो कॉम्पिटिशन निकालने हैं, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जॉब साइट निशेज। तो ये हमेशा ही लो कॉम्पिटिशन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी जॉब निश है जो आगे आती जाती। अब यहाँ पर काम करने वाली बात क्या है कि लोग क्या करते हैं, जो पॉपुलर हैं उन्हीं पर जाते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर माइक्रो निश जाओगे तो टारगेट लो कंपटीशन कीवर्ड, ये तो सब में ही करना है। उसके बाद अगर आप जॉब निश में हो तो टारगेट ऑन स्टेट बेसिस, आप होल कंट्री को टारगेट मत करो। फॉर एग्जाम्पल आप जॉब साइट बनाओ कि जॉब साइट ऑन आसाम जॉब्स, लाइक कि आसाम में जॉब्स हैं या फिर दिल्ली जॉब्स, दिल्ली के अंदर कौन कौन सी जॉब साइट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पोस्ट लिखो। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप स्टेट बेसिस पे जाते हो तो आपका माइक्रो निश बन जाता है, उस पर बहुत सारे लोग नहीं काम कर रहे होते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है और वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। मैंने ये चीज़ देखी है रिसर्च कर रहा था जब, कि लोगों ने असम न्यूज़ के ऊपर असम जॉब्स, हरियाणा जॉब्स, दिल्ली जॉब्स, पंजाब जॉब्स, इनके ऊपर ब्लॉग बना रखे हैं और उनमें ऐसे ऐसे कीवर्ड हैं कि आज की डेट में उन्होंने एक जॉब के ऊपर पोस्ट लिखी और अगले 4 घंटे में वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर गई। तो ये होता है कि आपको देखना है स्टेट बेसिस के ऊपर जॉब साइट बनाओ, ईजिली रैंक करेगा बिना SEO। उसके बाद अगला हमारा आता है 9th निश, जो कि है मेक मनी ऑनलाइन निश। तो ये हाईली कॉम्पिटिशन कीवर्ड है, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा इस निश में तभी काम करना जब आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि ये एक ऐसा निश है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ पैसे के लिए आए हो तो आप यहाँ से एक रुपये भी नहीं कमा सकते। बट अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कर सकते हो, तो आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसके ऊपर ब्लॉगिंग टिप्स, एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी, लाइक मेरा ही देख लो कि मेरा निश है ब्लॉगिंग टिप्स और मैं यहाँ पर, मेरा इंटरेस्ट है, मैं इसमें कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप लोगों को पता है, तभी यहाँ से मैं बहुत तगड़ा और बहुत बढ़िया पैसा अर्न कर रहा हूँ। बट यहाँ पर बहुत हाई कॉम्पिटिशन वाला है, जितना हाई कॉम्पिटिशन है इसमें उतना ही ज़्यादा इसमें पैसा है। बट यहाँ पर आपको काम तभी करना है जब आपका इंटरेस्ट हो इस निश में। पैसा देख के आओगे तो आप एक रुपये भी नहीं अर्न कर सकते, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आपका इंटरेस्ट है तभी इस निश में आना, हाई कंपटीशन वाला है, बट जितना हाई कंपटीशन है उससे ज़्यादा इसमें पैसा भी है। और जो अपना 10th और लास्ट निश है वो है एजुकेशनल निश, यानी कि हाउ टू फोकस ऑन स्टडीज़, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में हम गुड मार्क्स कैसे लाएं, इसके ऊपर बनाओ, बहुत लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है। सो गाइज ये थे 10 निशेज
जिनका मैंने ओवरव्यू दिया, जिनके सब निशेज बनाए, अब आपका काम है इनमें से फोकस कीवर्ड निकालना, इनमें से लो कंपटीशन कीवर्ड निकालना, इनमें माइक्रो निश निकालना। लेकिन लेकिन किसी भी निश पे स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन 8 टिप्स को फॉलो नहीं करते हो तो आप इसमें सक्सेस नहीं ले पाओगे। तो मेक श्योर कि इन 8 टिप्स को पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो, उसके बाद इनमें से कोई भी निश पर जाना। सो दोस्तों, यही थी मेरी वेल रिसर्च वीडियो। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन डिटेल्ड वीडियो थी, एक एक चीज़ आपको क्लियरली बताई। तो यार, इतनी मेहनत करी मैंने, PPT बनाई आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, ताकि फ्यूचर में आपके लिए ऐसी ही और भी डिटेल्ड रिसर्च वीडियो मैं लेके आऊँ। तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो यार बनता ही बनता है इतनी मेहनत के लिए। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, उन लोगों के साथ शेयर करो जिन्हें पता नहीं है कि निश क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दो। और मैं मिलता हूँ आपको एक और नई और ऐसी ही वेल रिसर्च वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव फन।